तूने तो पाला है उसे, तुझे लगता है तेरा आयान ऐसा कर सकता है? मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे माया को कोई गलत फहमी हो गई है। आप ये सब बात करके मेरा माया के बीच में दरार पैदा करना चाहते हैं? माँ एक बात सुन, मेरे और माया के बीच में कोई नहीं आ सकता। सब कुछ खोने के बाद भी आपका यकीन नहीं पा सके। बड़ों को समझाना हमारा फर्ज होता है, उन्हें डराना नहीं। क्या हालत कर दी तुमने मां की, पसीना पसीना हो गई है बेचारी। ऐसा क्या कहा माँ ने? माया और माँ यही कह रही थी ना कि माँ का मन नहीं मान रहा है कि अयान मेरे साथ ऐसी हरकत कर सकता है। तो ठीक ही है ना अर्जुन, माँ है वो अयान की और हम यकीन उसी पर करते हैं जिससे हम प्यार करते हैं। जैसे तुम्हारा यकीन मुझ पर है, वैसे ही मां का यकीन अयान पर है। और तुमने इतनी सी बात पर यहां पर ये ऐसी हालत कर दी, वो भी सिर्फ मुझे खुश करने के लिए। तुमने मेरी रिफ्लेक्शन देख ली थी ना? अर्जुन, मैंने प्यार में दिल खोया है, अकल अब भी वही है। मैं, मुझे लगा कि मुझे बुरा लग जाएगा। देखा आपने, आपका बेटा मेरी हर पसंद नापसंद का कितना ख्याल रखता है। अर्जुन, अगर मेरे खुशी से किसी को तकलीफ मिलती है तो मुझे बद्दुआ ही मिलेगी ना। लेकिन मुझे सिर्फ माँ की दुआएं और उनका प्यार चाहिए, है ना अर्जुन? ऑफ कोर्स। अरे माया, माँ खुद खा सकती है। जानती हूँ अर्जुन, लेकिन मुझे भी तो माँ को अपने हाथ से खिलाने का मन करता है ना। चलिए ये एक और बाइट। गुड गर्ल। अरे देखो अर्जुन, मैं भूल ही गई, दवाई लेने अंदर गई थी और वो ही भूल गई। तुम प्लीज माँ के लिए दवाई लेकर आ जाओगे? थैंक यू, ये लीजिए। मैं ये ठंडा हो जाएगा ना, फिर इसका मजा नहीं आएगा। Come on, good girl. क्या प्रॉब्लम है आपको? क्यों आप अर्जुन को तंग कर रही है? आप जानती है ना कि वो मेरे खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन सकता, तो फिर क्यों? ने पिछली बार कोशिश की थी तो अर्जुन ने 3 साल तक आपसे बात नहीं की थी। अगर इस बार आप कोशिश भी करेंगे ना तो 3 साल भी बहुत छोटे लगेंगे आपको।
बस 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 माँ, कितना खाएंगी आप? इतना खाएंगी तो तकलीफ हो जाएगी। अच्छा, तुम्हारा फोन बज रहा है? नहीं, मैं नहीं। शांति, फोन क्यों नहीं उठा रही है? क्या प्रॉब्लम है? आपका फोन बज रहा है? हाँ, ये फोन कंपनी वाले ना बार बार फोन करते रहते हैं। फ्री कॉल्स ले लीजिए, फ्री मैसेजेस। जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग पड़े हैं बात करने के लिए। चलिए, राइट। ऐसी हालत में ना वैसे भी आपके पास ऐसे ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं होने चाहिए। इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। अर्जुन, हमें काम करता है, हम माँ का फोन का कनेक्शन कटवा देते हैं। अननेसेसरीली उन्हें डिस्टर्ब होगा, कोई जरूरत तो है नहीं, राइट? नहीं, कटवाना क्यों है? माया, ये नंबर बहुत पुराना है ना, किसी रिश्तेदार को कॉल करना होगा तो। पर तुम टेंशन मत करो, वो फोन कंपनी वालों के नंबर ने ब्लॉक कर दिया। ओके, मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लेकर आती हूँ। क्योंकि डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। अब तुम इतनी सारी बातें पेट में रखोगे तो प्रॉब्लम होगी ना। अभी आए। माँ प्लीज, जब तक आप इस घर पे हो प्लीज माया को गुस्सा मत दिलाना। और हाँ, आयान के बारे में इस घर में आप बात नहीं करो प्लीज। माँ समझो मेरी बात को प्लीज। ये लो अर्जुन, तुम्हारा गरम गरम पानी। चलो इसे पहले ठंडा हो जाए, जल्दी पी लो। ओके, फोन के किस्मत में बंद होना ही लिखा था। चारा, ये किसी काम का नहीं रहा। I'm sorry माँ, I'm sorry अर्जुन, पर आई गेस कुछ आवाजों का बंद हो जाना ही अच्छा होता है। एक सेकेंड। चलिए, ये आप मुझे दे दीजिए, मैं क्या करेंगे अब इसका? मैं सांझ को कांटेक्ट कैसे करूंगी? Just hope she's okay. The number that you're trying to call is unavailable. The number that you're trying to call is unavailable. Okay, that's it.
इस लड़की के पीछे मैं पड़ा हूँ, तुम किसके पीछे पड़े हैं? किससे बात कर रहे थे? समय वो दोस्ती है, कब से कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, फोन ही नहीं लग रहा है। इतनी जरूरी बात करनी है कि इम्पोर्टेंट बात। सांझ, जब इंसान झूठ बोलता है ना, तो उसे अपनी आंखें नहीं चुरानी चाहिए। एक वकील बनने का सबसे बड़ा उसको है ना, तुम्हारी ये जरूरी बात मुझे पता है सांझ। और अगर गलती को सुधार दिया जाए तो उसे गलती नहीं, उसे सीख कहते हैं। ये रही आपकी सीख, अब तो कोई गलती नहीं होगी ना इससे। मुझे नहीं चाहिए माया। माँ, अगर इतने प्यार से कोई कुछ दे रहा हो तो मना नहीं करते ना, ऐसे उसका दिल टूट जाएगा। और मेरा दिल तोड़ना चाहती है क्या? ये रखिए। और इसमें ना मैंने आपके सारे कॉन्टैक्ट्स डाल दिए, बस एक छोड़ के। वैसे भी अब आपकी जिंदगी में मेरे और अर्जुन के सिवा कोई है भी नहीं ना, इतने बड़े फोन में सिर्फ दो कॉन्टैक्ट्स। अब हम दोनों के सिवा आपको तीसरे की जरूरत नहीं है, है ना अर्जुन? ऑफ कोर्स, माँ को किसी और की जरूरत तो है नहीं। अब हम ऑफिस के लेट हो रहे, चले? बीवी, अभी मेरे बिना ऑफिस जाने की आदत डाल लो। अभी मैं सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, किसी की बहू भी हूँ। और मुझे अपनी सास के साथ 24 घंटे रहना है ना? तुम्हें ऑफिस चलना पड़ेगा, वरना वरना क्या? हमने कुछ नहीं, बट तुम ऑफिस चलती हो तो मेरा ध्यान ज्यादा लगता है ऑफिस में। नो, एब्सोल्युटली नॉट। तुम जाओ अपने काम पर और मुझे अपना काम करने। लेकिन माँ, चलो जल्दी चलो, वरना लेट हो जाएगा ऑफिस के लिए। चलो जाओ, मैं माँ का अच्छे से ख्याल रखूंगी, आई प्रॉमिस। चलो जाओ, कम ऑन। चलो। अरे 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 अरे, आप कहाँ जा रही है? थोड़ी देर लेटने जा रही थी। माँ, ऐसे खाना खाने के बाद तुरंत कोई लेटता है क्या? नहीं, तबियत खराब हो जाती है। आप एक काम करिए, चलिए आप जाकर वहां बैठिए, मैं माँ को लेकर आती हूँ। जाइए, मैं माँ को लेकर आती हूँ। तुम्हें क्या पता है समय? कहीं समय को वंदना आंटी के बारे में पता तो नहीं चल गया? वही जो तुम्हारी नजरें तो कह रही हैं, लेकिन दिल की बात जबान पे नहीं आ रही है। वो तुम क्या? कि तुम्हें कोई तो टेंशन है, और वो टेंशन है माँ। हार्ट टेंशन, माँ, हार्ट टेंशन। और उस टेंशन का सिर्फ और सिर्फ एक इलाज है, साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट, डोसा, इडली, सांभर। अब चलें। समय, मेरी टेंशन का इलाज कुछ और है। और वो क्या? तुम्हारा मुझे यूं समझना, तुम्हारा मुझे यूं इतना प्यार करना। थैंक यू। आर यू श्योर कि यही बात है? ना, मेरी सांझ इतने रोमांटिक अंदाज में तो कोई बात नहीं करती। एक्सक्यूज मी,
मैं हमेशा तुमसे बहुत अच्छे से प्यार से बात करती हूँ. ओके एंड आई एम सॉरी, वो ब्रेकफास्ट का प्रोग्राम ऑलरेडी कहीं और बन चुका है. दोस्त के साथ? हाँ. क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्या प्लान है तुम्हारा? क्योंकि शायद माया तक पहुंचने का यही एक जरिया बने. बाय. हैव अ ग्रेट टाइम. थैंक यू. प्यार अच्छे खासे आदमी को धोखेबाज बना देता है. अब आप दोनों गुड गर्ल्स की तरह बातें कीजिए. अच्छा चलो मैं शुरुआत कर देती हूँ. माँ, आपको माँ की साड़ी कैसी लगी? बहुत बहुत सुंदर साड़ी है. कलर आप पर बहुत खिलता है. अरे वाह, ये हुई ना बात. ऐसे ही बातें करते रहिए, ठीक है? मुझे थोड़ा सा काम है, वो मैं खत्म करके आती हूँ. ओके. हाँ, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज यहां से उठिएगा नहीं तो आपको याद है ना, ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है. मैं यहां रहूं या ना रहूं, मेरी नजर हमेशा आप पर रहेगी. जानी जी, आपकी व्हील चेयर बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल तो है ना? अरे वाह, वेरी नाइस. अच्छा लगता है मेरी बात सुनती है. अच्छा माँ, अब मैं जरा बाहर जा रही हूँ. आपको कुछ भी जरूरत पड़े, कुछ भी तकलीफ हो ना, तो प्लीज वंदना माँ को बोल देना. आप समझ जाएंगे ना. बात ही करते रहिए. चलिए चलिए चलिए. ओके मामी, आई सी यू. आई सी यू. ठीक है. माँ. हाँ, आवाज नहीं आ रही है. सॉरी. जानवी जी, आपके हाथों की दाल का टेस्ट बहुत अच्छा होता है. आपने माया को सिखाया होगा, है ना? करी करी बातें करिए. आई सी यू सून. बाय. आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं जानवी जी. मेरा फोन तो नहीं बजा. माया का फोन. माया तो चली गई. माया की आंखें घर पर ही रह गई और वो मुझे अभी देख नहीं सकती. सांझ को फोन. नहीं, सांझ को फोन नहीं कर सकते. माया को पता चल जाएगा. उसका दिया फोन है, उसने कुछ ना कुछ बंदोबस्त किया ही होगा कि इसकी सारी इंफॉर्मेशन उसे मिलती रहे. जानवी जी, मुझे माफ कर दीजिए. मैं जानती हूं मुझे आपके घर में ये सब नहीं करना चाहिए, पर मुझे ये अपने बेटों के लिए करना होगा. मुझे पूरा यकीन है कि मेरी हयात के बेगुनाही के सबूत यही हैं, इसी घर में. प्लीज, आप एक माँ है, माँ का दर्द समझ सकती है. प्लीज.
कैसे अपना फोन यहाँ पर भूल गए, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा माँ कहाँ गई है? मैंने कहा था उनसे यहाँ से उठकर मत जाना, लेकिन कभी ये मेरी बात सुनती ही नहीं है। मैंने कहा था यहाँ से उठकर मत जाना। ये कभी तुको माँ आप कहाँ छुपी है? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।